किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं जनक लाल राठौर और स्वागत है आपका छोटा किसान चैनल में। श्री राम सुपर 303 रिसर्च गेहूं व DBW 303 रिसर्च गेहूं एक ही है, और अगर नहीं है तो क्या अंतर है? किसान भाइयों, कई सारे किसान भाइयों ने पूछा कि ये जो मॉडल नंबर है जो 303 है ये तो सेम है, तो क्या यह एक ही अब फसल अवधि की है? क्या उत्पादन बराबर है? क्या दोनों में क्या विशेषताएँ हैं? आखिर क्या अंतर है इनमें? तो किसान भाइयों, चलिए आज इस पर चर्चा करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनकी फसल अवधि की, उत्पादन का, इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता, हाइट, इनको कहाँ उगाया जा सकता है और ये कब रिलीज की गई हैं, इस आधार पर इसको आज कंपेयर करते हैं। तो किसान भाइयों, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही यूजफुल जानकारी होने वाली है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें यार, हमारा हौसला बढ़ता है आपको जानकारी देने के लिए। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फसल अवधि की। तो फसल अवधि की अगर बात करें तो जो श्रीराम सुपर 303 गेहूं है ये एक रिसर्च वैरायटी है, और जो DBW 303 गेहूं है ये भी एक रिसर्च वैरायटी है। इसकी फसल अवधि की अगर बात करें तो यह श्रीराम सुपर 303 125 से 130 दिन में पक्कर के तैयार हो जाता है, जो कि मध्यम अवधि की है। वहीं अगर बात करें जो DBW 303 है वह लगभग 150 से 152 दिन पकने के लिए लेता है, बहुत ही लंबी अवधि इसकी होती है। सिंचित अवस्था के लिए ही DBW 303 बहुत ही अच्छा किस्म है, और वहीं असिंचित एवं सिंचित दोनों के लिए अपना श्रीराम सुपर 303 है। किसान भाइयों, पहली बात। दूसरी बात, श्रीराम सुपर 303 प्राइवेट कंपनी की है, वहीं DBW 303 अपना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज वेराइटी, विश्वासपद वेराइटी है। किसान भाइयों, जो श्रीराम सुपर 303 है वो काफ़ी पुराना वैरायटी है, जबकि जो DBW 303 है वो अभी ही प्रचलित हुई है 2021 में, अभी जब वीडियो बन रहा है ये इस वर्ष यह प्रचलित में आई है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इनकी उत्पादन क्षमता की, कि क्या उत्पादन क्षमता है। तो श्रीराम सुपर 303 की अगर उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह लगभग 25 क्विंटल औसतन उत्पादन देने में सक्षम है। वहीं अगर हम बात करें DBW 303 की तो वह मैसिव उत्पादन देने में सक्षम है, लगभग 32 क्विंटल प्रति एकड़। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इनके कितने पानी में पक जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया कि जो श्रीराम सुपर 303 है वह सिंचित असिंचित दोनों अवस्था में बोया जा सकता है, लगभग 3 से 4 पानी में पककर के तैयार हो जाएगा। वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, हल्की मिट्टी है तो ज़्यादा पानी लग सकता है, भारी मिट्टी है तो आपका 3-4 पानी में पक जाएगा। वहीं अगर हमने DBW 303 की बात करें तो वह केवल सिंचित अवस्था या सिंचित एरिया के लिए है, और उत्तर भारत पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के लिए है, तो वो लगभग 5 से 6 पानी लेगा ही लेगा। अगर आप हल्की मिट्टी में उगा रहे हैं तो ज़्यादा पानी लग सकता है, भारी मिट्टी में उगा रहे हैं तो 5 पानी उसको लगना ही है, क्योंकि ये पूरी इसकी फसल अवधि ही 150 से 152 दिन है। अब बात करते हैं प्लांट हाइट की। तो प्लांट हाइट लगभग बराबर है, 88 से 90 सेंटीमीटर आपका श्रीराम सुपर 303 का है, और वहीं DBW 303 का भी 90 सेंटीमीटर हाइट है। अब बात करते हैं बुआई के समय की। तो श्रीराम सुपर 303 जब, चूंकि मैंने बताया कि यह मध्यम अवधि का है, तो उसका बुआई आप अगेती भी कर सकते हैं और पछेती भी कर सकते हैं। जैसे आप अगेती 15 अक्टूबर तक बुआई कर सकते हैं, पछेती आप 15 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन अगर DBW 303 का आप उपयोग कर रहे हैं इस वर्ष गेहूँ की उत्पादन के लिए, तो इसका आप अगेती बुआई ही करें, तभी इसका भरपूर उत्पादन मिल सकेगा। तो अगेती बुआई कब तक करें, तो लगभग इसका लास्ट 5 नवंबर तक इसका बुआई कर ही दें भरपूर उत्पादन के लिए। DBW 303 का ये बुआई का एक निश्चित समय है। अब बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता की। तो जो श्रीराम सुपर 303 है वह ब्राउन रस्ट एवं झुलसा के प्रति सहनशील है। वहीं अगर DBW की बात करें तो ये लेटेस्ट वेराइटी है, जो कि रस्ट के प्रति, करनाल वंट, झुलसा आदि के प्रति सहनशीलता प्रदर्शित करने में सक्षम है, ऐसा डॉक्टर GP सिंह का कहना है, जो कि निदेशक हैं इसके, जो विकसित करता है DBW 303 के। तो किसान भाइयों, उनका कहना ये भी है कि हिस्ट्री में, अपने इतिहास में इतना उत्पादन जितना ये DBW 303 अपने गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज यह वेराइटी है, इसका उत्पादन का टक्कर नहीं है। लगभग 32 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन, और अगर इसका उत्पादन उनके द्वारा बताया गया कि 90 प्लस क्विंटल प्रति हेक्टेयर लिया गया है ट्रायल बेस में। तो किसान भाइयों, ये रही श्रीराम सुपर 303 और DBW 303, इसको करण वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है।
इनकी बीच की जो कंपेयरिंग वीडियो है, ये वीडियो आपको हमने दिया और ये जानकारी दिया आपको। आप कमेंट में ये बताना है कि जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अन्य किसान भाइयों तक यह जानकारी शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।